मैं एक आर्मी से कैप्टन से रिटायर हूँ, खालिस्तानी बताते हैं या चीन का समर्थन बताते हैं, हमें बड़ा दुख है। मतलब ऐसी सरकार झूठी हमने कभी नहीं देखी सर, ये सरकार मतलब इतनी झूठी बेईमान सरकार। नमस्कार, मैं संजीव राय और इस वक्त मौजूद हूँ मैं टीकरी बॉर्डर पे। सरकार के कुछ मंत्री इस बात पे भ्रम फैला रहे हैं कि ये आंदोलन पंजाब के चंद मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, तो कुछ लोग ये बताने पे तुले हुए हैं कि कपड़े से किसान नहीं लगते हैं। तो हम उन किसानों के बीच में हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मंत्रियों को इन बातों पे क्या कहेंगे। कुछ मंत्री कह रहे हैं प्रदेश सरकार के कि ये हरियाणा के किसानों का इसमें समर्थन नहीं है, तो आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताइए। मैं हरियाणा से जींद जिला जुनाना बारह के नुमाइंदे हैं, जो मतलब तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों के साथ आए हैं और हम किसान की मांग करते हैं। मैं एक आर्मी से कैप्टन से रिटायर हूँ, एक सरपंच करसोड़ा मेरा गांव है और हम ये कहते हैं, मैं 16 एकड़ का जमींदार हूँ, हमने MSP चाहिए। MSP को ख़त्म करने के लिए सारा काम है, ये बड़े बड़े बिल्डरों को बनाने के लिए ये 3 कानून लागू किए गए हैं। हम चाहते हैं इन 3 कानून निरस्त करें और हमें MSP दे और किसानों के भले के लिए काम करें। जो आपको इतने ऊँचे अहदे पर बैठा करके दुनिया इतने चौड़े कुर्ते पहन के बैठते हैं वहाँ पर। आप सेना से रिटायर्ड हैं, जब ये नेता या कुछ टीवी चैनल भ्रम फैलाते हैं इस बात को लेकर के कि ये पाकिस्तान से समर्थित लोग हैं, तो दिलों पे क्या गुजरता है? दिलों पर हमें बड़ा दुख होता है, ये खालिस्तानी बताते हैं। कोई कहता है हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कोई खालिस्तान नहीं, अपनी मांगों पड़े हुए हैं। हम हरियाणा के किसान और किसान हैं रहेंगे और हमारी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे हमें यहाँ से नहीं जाएंगे। एक आर्मी मैन हमेशा अपने दुश्मनों से डट के मुकाबला करता है, चाहे उस सीमा पर पाकिस्तान हो या चीन हो, और अब जब कोई मंत्री ये बता देता है, कोई नेता ये कहता है कि इस आंदोलन को चीन का समर्थन है, तो क्या कहेगा कि एक जवान जो रिटायर्ड? हमें बड़े दुख की बात है, हमें देश की सेवा 30 साल की है, 30 साल सेवा करने के बाद हमें एक मतलब खालिस्तानी बताते हैं या चीन का समर्थन बताते हैं, हमें बड़ा दुख है। हमें एक हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और किसान का ये जो MSP है ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको हम लागू करवाना चाहते हैं। 16 एकड़ आप किसानी है, तो जितना पैदा कर रहे हैं और सरकार जो दावा कर रही है कि किसानों का सारा अनाज खरीद दिया जा रहा है, क्या सच्चाई है क्या ये? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये सरासर। एक किले में 25 मन अनाज होता है तो सरकार 10 मन लेती है, 15 मन किसान कहाँ लेकर के जाए? किसान इतनी झूठी बातें हैं, इनको मतलब ऐसी सरकार झूठी हमने कभी नहीं देखी सर, जो अभी सरकार आई है। तो जो 10 मन अनाज सरकार ले रही है, तो बाकी के 15 मन किसान कहाँ बेचता होगा, कैसे क्या करता है? नहीं, उसे जो आप पूछ रहे हो ना ये सवाल, इसका तो एक ही जवाब है, कम रेट पर पूंजीपति ले रहे हैं और किसान की इतनी स्थिति है नहीं, कैसे टोक कर ले उसको ने। आप एक छोटी बात बताता हूँ मैं, कल जुलाना मंडी की अपने मारे गांव का एक किसान कुपास ले गया और वो कुपास जाकर 8 तीघे गिर दी, 3500 रुपया का भा लग गया। मैं नाम वाइज बता देता हूँ, इसलिए सरकार है जी, ये सरकार मतलब इतनी झूठी बेईमान सरकार, इस किसान को बिल्कुल गरीब बनाना चाहती है जी, ताकि किसान गरीब हो जाए और बाकी ये पूंजीपति और हम साहूकार हो जाएं सर।